नमस्कार, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले कुछ वीडियोस में लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि मैं सफलता की रेखा के बारे में बताऊं, क्या हाथ में कोई सफलता की रेखा होती है। इस बारे में वैसे तो मैं कई वीडियो में आपको बता चुका हूं। जब भी आप हाथ के बारे में देखते हैं, सबसे पहले आपको पर्वतों का विचार करना है, हाथ की बनावट का विचार करना है। यदि हाथ की बनावट अच्छी और पर्वतों की स्थिति अच्छी है, तो हाथ में केवल तीन रेखाएं होने पर भी व्यक्ति सफल हो जाता है। यानी कि अगर आपके हाथ में सिर्फ ये तीन रेखाएं हैं, तब भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके हाथ में बहुत लंबी भाग्य रेखा होगी या बहुत अच्छी सूर्य रेखा होगी, तभी आपको एक अच्छी सफलता मिलेगी। यदि हम सफलता का संबंध देखें, तो सफलता का सीधा संबंध किससे है? सफलता का सीधा संबंध होता है हाथ की पर्वतों की स्थिति से। यदि पर्वत बहुत अच्छी स्थिति में है, बिल्कुल यथास्थान है, जैसा उन्हें होना चाहिए, वो न तो अति विकसित हैं और ना ही दबे हुए हैं, बहुत निम्न स्थिति में हैं, तो ऐसी स्थिति में हाँ बिल्कुल बहुत अच्छी उनमें फल मिलेगा, ऐसे व्यक्ति को अच्छी सफलता मिलेगी। लेकिन कुछ ऐसी रेखाएं भी होती हैं जो यदि हाथ में पाई जाएं तो बहुत अच्छी मानी जाती हैं। ऐसे लोगों में सामान्यतः हम क्या देखते हैं, उन्हें सफलता मिलती ही है। वो सफलता किस एज में मिलेगी, ये बिल्कुल भिन्न विषय हो गया, उसे कैलकुलेट करना होगा अलग अलग माध्यमों से, उसके बारे में अलग से कभी चर्चा करेंगे। किंतु फिलहाल वो रेखाएं कौन सी है, इसमें जिसे लाइन ऑफ सक्सेस कहा जाता है, वो सबसे मेजर लाइन जो है जिसे लाइन ऑफ सक्सेस कहा जाता है, वो है सूर्य रेखा। एक छोटी सूर्य रेखा आमतौर पर हाथों में मिल जाती है। एक छोटी सूर्य रेखा ये संभावित करती है कि आपको ऐसे लोग या तो जॉब करते हैं किसी ऐसे व्यक्ति के अंदर अंतर्गत, किसी ऐसी संस्था के अंतर्गत जहां वो परतंत्र महसूस ना करें, तो किसी एक व्यक्ति विशेष के अंदर काम करने वाले जो चाकर रहते हैं, जो नौकर की तरह काम करते हैं, उनके हाथ में ये रेखा कम ही पाई जाती है। इसे हम सूर्य की रेखा, स्वाभिमान या आत्मसम्मान की रेखा भी कहा जाता है। इसलिए ये अगर हाथ में आपको ये दिखाई देगी, तो ऐसा व्यक्ति स्वाभिमान से अपना काम करता है, जॉब करता है, लेकिन परतंत्र होकर जॉब नहीं करता, सहयोगी होकर जॉब करता है। तो ऐसी स्थिति में हम ये मानते हैं कि सरकारी तंत्र या बड़ी कोई संस्था, बड़ी कोई कंपनी जिसमें व्यक्ति के ऊपर कोई मालिक की तरह व्यवहार नहीं करता, बल्कि एक टीम वर्क की तरह लोग काम करते हैं, ऐसी जगहों में अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपके हाथ में ये लाइन हो सकती है। और अगर आपके हाथ में ये लाइन है, तो आप इस तरह की काम करेंगे। ऐसे ही व्यक्ति के हाथ में यदि एक लंबी भाग्य रेखा हो यहां से यहां तक, तो हम ये मान लेते हैं कि ऐसा व्यक्ति लगातार जॉब करता रहेगा। लेकिन सूर्य रेखा यदि लंबी है, तो इसे आमतौर पर सफलता की रेखा कहा जाता है, लाइन ऑफ सक्सेस कहा जाता है। ये आपको काफी अच्छे इंडिकेशन ये भी देती है, सूर्य रेखा अगर लंबी है तो लाइन ऑफ सक्सेस बनकर आपको ये भी दिखाती है कि आपको सफलता किस दिशा से मिलेगी, कैसे मिलेगी। अब अगर हम इसे देखने की कोशिश करें, कुछ लोगों के हाथ में आपको सूर्य रेखा इस तरह से सीधी केतु से निकलती हुई, बिल्कुल मणिबद्ध से शुरू होकर केतु से शुरू होती हुई सूर्य रेखा दिख सकती है। यदि ऐसी सूर्य रेखा दिखाई दे, तो आमतौर पर यह माना जाता है कि बचपन से ही ऐसा व्यक्ति समृद्धि पाता है, और या तो बिल्कुल पैतृक कारणों से कि आप ऐसे परिवार में जन्म हो गया कि जिस कारण से आप प्रसिद्ध हैं, सफल हैं, या फिर दूसरा एक कारण हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति बचपन से ही बहुत मेधावी रहा है और सफलताओं के रास्ते उसने अपने बचपन में ही चुन लिए थे, ये एक बात हो सकती है। अब कुछ लोगों में आपको दिखाई देगी कि ये लाइन ऑफ सक्सेस
आपको दिखाई देगी आती हुई यहाँ से, जैसे कि शुक्र पर्वत से। अगर आपको शुक्र पर्वत से किसी व्यक्ति के हाथ में शुक्र पर्वत से आती हुई लाइन ऑफ सक्सेस दिखाई दे, तो हम ये मानते हैं कि ऐसे व्यक्ति का जो सफलता मिलेगी वो उसे अपने एक तरह से कहिए तो विपरीत लिंगी लोगों से, पुरुष है तो स्त्रियों की सहायता से और स्त्री है तो पुरुष की सहायता से, ऐसे लोगों को सक्सेस मिल जाती है, ऐसे लोगों को सफलता मिल जाती है। इसकी बहुत सारी वजह हो सकती है, वो पत्नी हो सकती है, वो मित्र हो सकता है, कोई भी ऐसा विपरीत लिंगी या अपोजिट सेक्स का आदमी जो आपके सहयोगी होकर आपको आगे बढ़ने मदद कर सकता है। तो यहाँ ये हो सकता है, आपको कोई ऐसा गुरु, कोई ऐसा मेंटर मिल सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो केवल आपको सहयोगी होकर ऊपर उठा ले जाए। इसका ज़रूरी नहीं है कि कोई संबंध में ये कोई सेक्सुअल रिलेशन होगा या किसी तरह का अवैध संबंध होगा या किसी तरह का प्रेम संबंध होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस एक विपरीत लिंगी व्यक्ति होगा जो आपके साथ सहयोगी हो जाएगा और आपको उन्नति में मदद करेगा। अगर आपको किसी व्यक्ति की सूर्य रेखा चंद्र पर्वत से जाती हुई दिखाई दे बहुत लंबी, तो इसके दो हम यहाँ पहलू देखते हैं। पहला पहलू तो ये देखते हैं कि अगर सूर्य रेखा बहुत लंबी यहाँ से उठकर यहाँ तक जा रही है तो या तो आपको दूर स्थान पर जाकर सफलता मिलती है। ऐसे लोगों के लिए हम मोस्टली मानते हैं कि भाई ऐसा व्यक्ति अगर दूर स्थान पर जाकर विदेश में या अक्रॉस द बॉर्डर कहीं जाकर या फिर दूसरे किसी राज्य में चला जाता है, दूर स्थान पर जहाँ कल्चरली लोग थोड़े से अलग हैं, भाषाई रूप से थोड़े से अलग हैं, भौगोलिक रूप से थोड़े से अलग लोग हैं, ऐसे लोगों के बीच जो आपको स्वजन महसूस नहीं कराते हैं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अपनत्व जिनसे महसूस नहीं होता है, ऐसे किसी भी स्थान पर जाकर यदि आप काम करते हैं तो आपको इससे जल्दी सफलता मिलने लगती है। यदि आपकी सूर्य रेखा चंद्र पर्वत से शुरू होकर सूर्य पर्वत को जा रही है, इसमें कुछ लोगों को यह इफेक्ट करने लगता है सिर्फ अपना गांव छोड़ देने पर या अपना शहर छोड़ देने पर, कुछ लोगों को ये राज्य छोड़ देने पर इफेक्ट करता है, कुछ लोगों को कई राज्य दूर जाना पड़ता है ऐसी स्थिति में। वो निर्भर करता है उनके स्वभाव पर कि वो कहाँ तक अपनत्व महसूस करते हैं, और कुछ लोग पूरे देश में इतना कनेक्टेड रहते हैं कि उन्हें विदेश जाकर ही फिर ये लाभ मिल पाता है और दूर स्थान पर सफलता मिलती है। तो ये एक इंडिकेशन रहती है दूर सफलता की। लेकिन एक दूसरी इंडिकेशन भी है कि अगर किसी व्यक्ति के यहाँ से एक भाग्य रेखा सूर्य रेखा निकल रही है और वो सूर्य तक जा रही है, तो ये भी बहुत गहरी संभावना होती है कि ऐसा व्यक्ति अचानक से अपने अभिव्यक्ति की वजह से भी सफल हो जाता है, अपनी कल्पनाशीलता या अपने बौद्धिक जो क्षमताएं उसकी हैं, आंतरिक क्षमताएं, इंट्यूशन जो उसकी हैं, उनकी वजह से भी काफ़ी अच्छी सफलता पा लेता है। तो एक दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि अपनी कल्पनाशीलता, अपनी दूरदर्शी सोच के कारण भी वो सफलता पा लेता है। कुछ लोगों में आप क्या देखेंगे कि एक लंबी सूर्य रेखा मिलेगी जो मंगल से जा रही है सीधे सूर्य पर्वत पर। अब ऐसे यदि आपको दिखाई देती है तो ऐसे लोग हार्ड वर्कर होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत के कारण ही उच्च सफलता पाने की क्षमताएं रखते हैं। ऐसे लोग सफल होते हैं केवल अपनी मेहनत और अपनी हार न मानने के जज्बे की वजह से। बाह्य मंगल से यदि आ रही है, हार्ड वर्कर हैं, भूमि से अच्छी सफलता मिल सकती है। अगर ऐसे व्यक्ति के अंदरूनी मंगल से आ रही हो, सूर्य रेखा अंदरूनी मंगल से निकल कर आ रही हो, तो यहाँ मामला आंतरिक क्षमताओं का हो जाता है। ऐसा व्यक्ति हार मानने को तैयार ही नहीं होता, उसकी आत्म क्षमताएं जो हैं, उसकी भीतरी जो क्षमताएं हैं वो कमाल की होती हैं, जुझारूपन बहुत कमाल का होता है और उसी से उसे सफलता के मार्ग मिलते हैं। यदि आपको बुध से एक रेखा दिखाई देते, सूर्य रेखा बुध से जा रही हो सूर्य पर, अब इसे ये जो सक्सेस लाइन है ये बुध के संबंधित होती है, ऐसे व्यक्ति की बौद्धिक क्षमताएं बहुत अच्छी होती है और उन्हीं की वजह से एक बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। ऐसे व्यक्ति को आमतौर पर हम देखते हैं कि गणित में रुचि भी बहुत रहती है और गणितीय क्षेत्रों में अच्छी सफलता मिल जाती है, बौद्धिक क्षमताएं बहुत अच्छी होती हैं, तो इसलिए बुद्धि में बहुत प्रवीणता होती है, सक्सेस अपने ही ब्रेन कैपेसिटी से मिल जाती है।
अगर आपको किसी व्यक्ति में ऐसा दिखाई दे कि बिल्कुल मस्तिष्क रेखा से एक ब्रांच निकली है और वो बिल्कुल सूर्य रेखा लाइन ऑफ सक्सेस जो है वो आपकी निकल ही मस्तिष्क रेखा से रही है, तो ऐसे में ये निश्चित मानिए कि भाई यहाँ तो सफलता जो है वो आपकी बौद्धिक क्षमताओं के हिसाब से मिलेगी, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि के दम पर ही सफलता पाएगा ये निश्चित सी बात हो जाती है। उसका अपना विचार, उसका अपना कोई नया विचार कि मुझे इस तरह से करना चाहिए और वही उसके लिए रास्ता खोल देता है, उसे किसी और की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह से हम बहुत तरह की रेखाएँ हाथ में देख सकते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने बताए और भी बहुत से हो सकते हैं। हमें जब रेखाओं के बारे में फल करना है तो वहाँ उनके फ्लो को भी देखना है। मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि रेखाएं जो हैं ये धन की तरह होती हैं। अगर आपके हाथ में नदी की तरह होती हैं, यदि आपके हाथ में एक सीधी रेखा इस तरह से बिना किसी फ्लो के दिखाई दे रही है तो ये बहुत प्रभावशाली रेखा होगी, इसका फल बहुत ज़्यादा आएगा। अगर आपके हाथ में रेखा इस तरह से दिखाई देती है एक लहरदार रेखा तो इसका फल बहुत कम होता है, लहरदार रेखाएं बहुत अच्छा प्रवाह नहीं करती हैं, तो प्रवाह उनका बहुत अच्छा नहीं होगा तो उनका प्रभाव भी बहुत अच्छा नहीं होगा। अगर आपको हाथ में दिखाई देती है कोई इस तरह की रेखा कि टूट टूट कर रेखा बन रही है, टुकड़ों में रेखा बन रही है, ऐसी रेखा निश्चित रूप से बहुत अच्छी नहीं मानी जाती और ये रेखा बहुत खास फल नहीं देगी। आपके हाथ में होगी, रेखा भी होगी, लेकिन आप देखेंगे उतनी सक्सेस नहीं दिखा पाएगा। तो यहाँ ये रेखा जो है ये प्रभावहीन सी रेखा मानी जाती है। कभी कभी ऐसे लोगों को सफलता मिलती है लेकिन बहुत ज़्यादा संघर्ष के बाद, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, तो यहाँ ये भी एक समस्या है। दूसरा, यदि पर्वत बहुत खराब हैं और हाथ में रेखा बहुत अच्छी है तो उससे भी कोई फल नहीं होने वाला, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपके हाथ में बहुत अच्छी रेखाएं नहीं हैं सूर्य के संबंध में, आप सक्सेस बहुत चाहते हैं, सूर्य को उन्नति का कारक माना गया है, आपको सूर्य की पूजा उपासना की विधियां सीखनी चाहिए, लगातार उनका अभ्यास करना चाहिए, तो आपको अच्छी सफलता मिल सकती है संबंध में। आपको यहाँ रेखाओं पर बहुत ध्यान देना, रेखा की कंस्ट्रक्शन जो रेखाओं की फॉर्मेशन है उस पर बहुत ध्यान देना। अगर फॉर्मेशन बहुत अच्छी है तो निश्चित रूप से रेखा ज़्यादा प्रभावशाली होगी, लेकिन अगर बहुत चौड़ी रेखा है, मतलब आपको लगता है कि जैसे दो तीन रेखाएँ इकट्ठी मिल जाएँ, उतनी चौड़ी रेखा अगर है, एकदम मोटी रेखा है, तो ये रेखा फल नहीं करेगी बहुत अच्छा, ये रेखाओं का प्रभाव बहुत कम होता है। जैसे बहुत चौड़ी नदियों में पानी का प्रवाह तेज़ नहीं होता, स्लो हो जाता है और पानी काला पड़ने लगता है, साफ सुथरा नहीं रह पाता है, अशुद्ध होने लगता है, उसी प्रकार से बहुत जो चौड़ी रेखाएं हैं उनमें भी प्रवाह उतना नहीं होता है। तो आपको इन्हें ये जो रेखाएं हैं इनके लिए फल जो करते हैं जब आप, तो आप ये नहीं कह सकते कि हाँ बहुत अधिक सफलता ऐसी रेखा वालों को मिलेगी, मिलेगी लेकिन एक क्षमताएं जो है उसकी वो थोड़ी कम होंगी। तो उम्मीद है आप इस विषय को समझ गए होंगे। और लेकिन जब भी रेखाओं का एक फल करते हैं वो सिंगल एक रेखा से नहीं हो सकता, सबका समूह होता है। तो मुझे लगता है आपको सब वीडियोस एक साथ देखकर, सोचकर, समझकर अपने बुद्धि में बिठा लेनी चाहिए, फिर यदि उन्हें आप देखते हैं जोड़ कर सबको, तब आपको समझ में आएगा। किसी एक ही चीज़ को लेकर ये कमेंट करना कि भाई मेरे हाथ में तो ये एक रेखा है और मुझे तो सक्सेस नहीं मिली है, और कभी कभी मुझे हैरानी होती है, एक 20 साल के बच्चे ने कमेंट किया है कि मुझे सक्सेस, मेरे हाथ में तो सूर्य रेखा है और मुझे तो सफलता नहीं मिली है, और मैंने उनसे पूछा आपकी आयु कितनी है, तो उन्होंने कहा 20 वर्ष, और वो ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं जैसे वो 80 वर्ष के हो गए हैं और आज तक उन्हें सफलता नहीं मिली है, तो उससे प्रूव हो गया है कि भाई ये रेखा तो कोई फल नहीं देती है। तो खैर, उनका अपना बौद्धिक क्षमताएं हो सकती हैं, उनके अपने सोचने का तरीका हो सकता है। लेकिन आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में अगले विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।